हेलो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप भी इस तरीके की पिक को जनरेट करना चाहते हैं नेम के साथ, तो आप इजीली तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना होगा, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करा। ओपन करने के बाद यहाँ आपको एक वेबसाइट को टाइप करना होगा, बिंग इमेज क्रिएटर। तो मैं इस वेबसाइट को टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद आपको यहाँ फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगी, बिंग इमेज क्रिएटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। तो आपको इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप देख सकते हैं आपको इस तरीके का इंटरफेस होगा। ये इंटरफेस तब आपको होगा जब आप माइक्रोसॉफ्ट बिंग अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट बिंग अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी, तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट में बिंग अकाउंट क्रिएट कैसे करें, माइक्रोसॉफ्ट में बिंग अकाउंट कैसे बनाएं। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको इस तरीके का बॉक्स देखने को मिलेगा। आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। तो मेरे पास कुछ प्रॉम्प्ट है जो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो वो आप अपने अपने हिसाब से रख सकते हैं। प्रॉम्प्ट को चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें चेंजेस, आप अपना नेम रख सकते हैं, कोई भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, लोगो चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको ये क्रिएट का बटन हाईलाइट हो रहा है, तो क्रिएट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको टेक ए सम टाइम, आपको कुछ समय लेना है, थोड़ा सेकेंड का वेट करना होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो पिक थी वो नेम के साथ जनरेट हो चुकी है। अगर आपको ये पिक पसंद नहीं है तो आपको अगेन से क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो पिक थी वो नेम के साथ जनरेट हो चुकी है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है पिक जनरेट करने में, आपकी पिक अच्छी नहीं बनी, तो आपको फिर से क्रिएट पे क्लिक कर देना। आप जितनी बार पिक पे क्रिएट पे अगेन से दोबारा से क्रिएट पे क्लिक करेंगे, उतनी आपको बेस्ट पिक देखने को मिलेगी, वो जनरेट हुई मिलेगी। अब बात करते हैं कि आप इन सभी पिक को सेव कैसे करते हैं। आपको कोई पिक पे क्लिक कर देना है, जैसे मैं इस वाली पिक पर क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद आपको थ्री डॉट की लाइन देखने को मिल रही है। देन उसके बाद क्लिक ऑन डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो आप इस तरीके से वन बाई करके आप पिक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।